Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Ice Cream 8. पहले मैं आपको ना इस गेम की थोड़ी सी स्टोरी क्लियर कर देता हूँ कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है. हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को एक आइसक्रीम अंकल ने किडनैप कर लिया अपने पास, और जब हम लोग लास्ट टाइम उन्हें बचाने गए थे तो आइसक्रीम अंकल ने ऑलमोस्ट हमें भी पकड़ लिया था, बट जैसे तैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को बिना बचाए वहीं से भाग आए. तो देखते हैं कि आखिर क्या मैं अपने सभी फ्रेंड्स को आइसक्रीम अंकल की फैक्ट्री से एस्केप करवा पाता. ये मेन गेट से आ गया और अभी अंकल को पता चल चुका है कि चारों बच्चे यहाँ छुपे हुए हैं. इसके चक्कर में फैक्ट्री से निकलना और मुश्किल हो गया है, बट ठीक है. वेल, तो अभी मुझे ये आइसक्रीम अंकल इस वैन में बिठाकर अपनी ये बड़ी सी आइसक्रीम फैक्ट्री में लेकर आ चुके हैं, जो कि सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है. और इसी फैक्ट्री के अंदर इसने हमारे बाकी सभी फ्रेंड्स को किडनैप करके रखा हुआ है. बाकी यार, ये जो आप सामने इसका स्टैचू देख पा रहे हो, इस स्टैचू के अंदर इसने अपना एक गैराज बनाया हुआ है जिसके अंदर इसने अपनी वैन ले जाके पार्क कर दिया है. और मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार ये हमारे साथ आज इस फैक्ट्री में क्या करने वाला है. और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर इस रॉड को, मीन्स आइसक्रीम अंकल को, ये मोटे बच्चों को किडनैप करने में क्या मजा आता है. खैर, इसीलिए हमने इसकी रेसिपी चुराई, वो आइसक्रीम खाई ताकि हम भी मोटे हो जाएं और ये हमें दोबारा से किडनैप कर ले और हमारे दोस्तों के पास वापस लेकर आ जाए. अभी सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. अब बस मुझे इस फैक्ट्री में अपने दोस्तों को ढूंढना है और उन्हें बचा के यहाँ से बाहर निकलना है. खैर, मुझे जिस रूम के अंदर ये लेकर आया है, और यहाँ पर अपने बाकी दोस्त हैं माइक लिस एंड ये बेचारा ये भी यहाँ पर परेशान हो रहा है बैठ के, और इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. भाई, ऐसे रियूनाइट होने का कोई फायदा नहीं है. ये बहुत ज्यादा मजे ले रहा है. आज तो कुछ भी हो जाए यहाँ से एस्केप करना ही करना है, वो भी अपने दोस्तों के साथ. इसकी सारी मस्ती खत्म करनी है, बट वेट, ये क्या चीज है भाई? कुछ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है इस रूम के अंदर. ओ तेरी भाई, ये इधर ही बैठा हुआ है. एक सेकंड, भाई यहाँ पर कुछ ढूंढा ढांडी तो करनी पड़ेगी. वो आके दरवाजा खोलो, बंद करो. भाई, ये आइसक्रीम अंकल सच में कुछ ज्यादा ही डेंजरस है. एक बारी इस तरफ चलकर देखता हूँ ये वाला दरवाजा ओपन करके. इसे एक रूम ये वाला भी है, इसमें काफी अंधेरा है, हो सकता है यहाँ पर कोई की हो. तो ठीक है, अभी आइसक्रीम अंकल वापस से अपनी वैन पे काम करने आ चुके हैं. मैं चुपचाप से अभी जाकर ना ढूंढा ढंडी कर सकता हूँ, और अंदर जाकर वाला दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि वो बाहर से मुझे देख ही ना पाए. बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे कुछ अलग अलग लोकेशंस पर भी जाना पड़ेगा इस वैन को लेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक की मेरे को यहाँ पर और मिली है, बट उसके लिए मुझे इस कार को लिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो इसको बंद करते हैं और अभी वैन को लेकर चलते हैं दूसरी जगह पे. यहाँ पर पार्किंग में मैं हूँ, मैं फैक्ट्री जा सकता हूँ. स्टॉल चलते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से तो मैं आया ही हूँ. स्टॉल पे चलते हैं. जॉइन गाइस, तो भी अपनी वैन स्टॉल पे आ चुकी है और अब मुझे चुरानी होगी दूसरी की. अब यहाँ पर करते हैं ढूंढा ढांडी, देखते हैं कि इधर कुछ ऐसा सामान मिलता है जो अपने काम आ सकता है या फिर नहीं. Mike, your habit of collecting junk and papers is amazing. Let's go. Time to find those generators and go back with our families. Yeah, let's go. इसको तो फटाफट बाहर निकलते हैं और चल के ढूंढा ढांडी करते हैं कि इस जगह पर मुझे कुछ काम का मिल पाएगा या फिर नहीं. फिलहाल एक बंदा जरूर मिल चुका है और वो है आइसक्रीम अंकल. मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ. ओ वेट, उसने नोटिस कर लिया भाई, मुझे पकड़ लिया यार इसने. मैं बस हल्का सा स्नीक पीक कर रहा था, बट गेट हुआ करता था जो गेट एक सीक्रेट रास्ते पे मुझे ले जा सकता है, बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा. और एक बार इधर ध्यान से देखो, किन्न कितनी ज़्यादा बढ़िया हुआ करती थी, बट अभी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन चुकी है. यहाँ पर एक ट्रैप डोर है जो कि एक सीक्रेट वेंट में हमें ले जाता है. ये है दरवाज़ा यहाँ से बाहर निकलने का, और यही दरवाजे के थ्रू हम लोग इस स्कूल में जा सकते हैं. फिलहाल ओ तेरी, ओ भाई साहब, ये पीछे ही आ गए भाई. ओ भाई, एक सेकेंड, ये कब में टपक पड़ी यहाँ से. हेलो, अभी तो गेम शुरू हुई है. मुझे, मैं भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ इस स्कूल में, जबकि मैं ऑलरेडी, अरे 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 अरे, वेट वेट वेट, रास्ता बंद हो, ओए मैं गोल चक्कर काटे जा रहा हूँ. वेट वेट वेट, मुझे थोड़ा सा छुपना पड़ेगा. यहाँ पर एक वेंट है, क्या मैं इस वेंट के अंदर जा सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं इस वेंट में. यहाँ पर एक रास्ता और है,
जो कि शायद से बंद है और नन ने मुझे देख लिया है, बट वो इसके अंदर आ सकती है। वेट वेट, ये ग्रैनी नहीं है यार, ये नन नहीं, उससे बहुत ज्यादा डेंजरस है, बंद करो इसको। इसने तो शुरू में बैंड बजा डाली। यहाँ पर एक बटन है जिसे मैं दबा नहीं सकता। ओ मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, यहाँ पर ना गाइस एक केबल लगेगी, बट वो शायद से ऊपर वाले फ्लोर पे होता है इसका इलेक्ट्रिकल पैनल, तो मुझे वहाँ पे जाके इसमें कुछ तो वायर वायर का सीन रहता है। मैंने जब पहले के लिए, ओ ये देखो इलेक्ट्रिसिटी पैनल है यहाँ पर एक, और इसके अंदर जो मिसिंग केबल है मुझे ये ला के लगानी है, फिर इस लीवर को नन आ रही है क्या? मैं भाग जाऊँ, बहुत तेज भागूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। फिलहाल अभी उसका कुछ आता पता नहीं है, वो आ रही है या फिर नहीं आ रही। खैर अभी मुझे ना वो तार ढूंढनी पड़ेगी, मीन्स एक केबल मुझे ढूंढनी पड़ेगी जो मैं जोड़ के उसको एक्टिव कर पाऊंगा। ओ वेट वेट वेट, यहाँ पर एक गड्ढा है, नीचे गिरा तो पता नहीं मेरा क्या ही होने वाला, सिर तो फूटेगा ही। बाकी ये जगह बड़ी डेंजरस सी लगती है मुझे, सही में अजीब सी है बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रॉर्स हैं और ये पड़ी वो केबल जो कि मुझे चाहिए थे। बाकी ड्रॉर भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर है एक येलो की, अंदर चल के देख लेते हैं। सिंक है, सिंक में खैर कुछ भी नहीं है, अंदर वाला रूम भी पूरा का पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। बाकी बॉक्सेस में हटा सकता हूँ यहाँ तक मुझे पता है। ओके ये मेरा एक एक्स्ट्रा रास्ता हो जाएगा, बाय चांस अगर नन इधर से आती है तो मैं क्राउच करके यहाँ से भाग सकता हूँ। ठीक है अभी तुम्हारा भाई धीरे धीरे प्रो होता जा रहा है। भाई कितनी बुरी तरह चिल्ला रही है ये, यहाँ से आ पाएगी बताइए उधर? आ जाएगी? नहीं आ पाएगी, मुझे पता था पहले डरपोक सी। ठीक है अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर वायर लगाना है। इस लीवर को ऑन भी कर दिया। अभी ये जितने भी शटर्स हैं ना ये सारे मैं ओपन करता हूँ। मैं अभी ओपन कर पाऊंगा? नहीं अभी नहीं ओपन कर पाऊंगा, मुझे नीचे चल के वो बटन दबाना है फिर ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। भाई मैं मरते मरते बचा उससे दो बारी। बटन कहाँ गया? वेट किया बटन, इसको दबाओ। अभी ये ओपन हो चुका है, ये वाला शटर भी ओपन हो चुका है और मैं बास्केटबॉल कोर्ट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। और बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर ये कौन सा चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम में भी जा सकता हूँ। अगर चेंजिंग रूम में यहाँ पर कुछ वॉच, अबे ये पागल हो गई है कि यार हर दो मिनट में यहाँ जा रही है। वेट वेट वेट, ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? ओ ये बैक साइड है, बैक साइड है, यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ शायद से, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। बट हाँ यार मैंने अगर गेट बंद कर दिया होता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर आकर छुप छुप इधर, ओ एक क्रोबार मिला, लेट्स गो। अभी तुम्हारा भाई एक के बाद एक चीज़ ढूंढ रहा है। नैन प्लीज़ यार दो मिनट सांस लेने दे, अभी गेम शुरू हुआ है बस। एक तो मैं इजी मोड पे खेल रहा हूँ तब भी इतनी डेंजरस सी हो रखी है। खैर ठीक है मामला पूरा क्लियर है, आगे जा सकता हूँ ना मैं? चुपचाप एकदम, कोई दिक्कत नहीं। वो बात, हाँ वो भाई बाथरूम, ये क्या था यहाँ पर? कुछ था ना वाटर कंट्रोल, पता नहीं क्या था। क्या ठीक है, ओह आगे आगे आगे, ये गोल चक्कर कटवा दो भाई, बस बस कमर ना अड़ जाए मेरी, बस ठीक है ठीक है। लेट्स गो यहाँ से बाहर निकल के इसको बंद करना। ओके फाइनली अभी मैं सेफ हूँ, अभी मैं सेफ हूँ। सारी मैं अगर गेट बंद कर दूंगा ना तो वो मुझे दूर से नहीं देख पाएगी। फिलहाल यहाँ पर एक वेंट है, मीन्स एक ट्रैप डोर है। इस ट्रैप डोर को हटा के मैं इस वेंट का यूज़ करके बहुत अच्छे शॉर्टकट्स मार के अलग अलग जगह आ सकता हूँ। और ये है टनल, लेट्स गो। इन टनल्स का मुझे यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर नन मुझे इतनी ईजिली देख नहीं पाएगी। अगर ऐसा होता है कि उसने मुझे देख लिया फिर मैं ऐसे भागता भागता उसको भी यहाँ पर ले आया तो वो यहाँ पर आएगी, अदरवाइज वो यहाँ नहीं आएगी। तो मुझे कहीं भी इधर उधर आना जाना है तो मुझे इन टनल का यूज करना है। ये पूरे स्कूल में फैली हुई है बट हाँ इसके रस्ते याद करना बहुत हार्ड है। यहाँ पर पता नहीं कितने रस्ते निकलते कुछ समझ ही नहीं आता। फिलहाल यहाँ से मैं बाहर आ सकता हूँ, पीछे एक फैन लगा हुआ है। यहाँ से ये वाला रास्ता पता नहीं कहाँ को निकलता है। हेलो कोई है? ठीक है रास्ता क्लियर है, रास्ता क्लियर है। मुझे कहीं से तो आइसक्रीम अंकल की आवाज़ आई है। रोड पक्का मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज में है कहीं ना कहीं, तो उसने अगर मुझे देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं काम करता हूँ जल्दी से जाके कहीं ना कहीं छुप जाता हूँ। बट हाँ मेरे पास छुपने के लिए बतेरी जगह है। अभी मेरे को ये फैक्ट्री के थोड़े बहुत रास्ते समझ आ गए हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत रास्ते समझ आ गए हैं। खैर ये वाला रूम मैं घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ वापस आ जाता हूँ। नहीं आया यार मुझे रास्ते सच्चे में बिल्कुल समझ नहीं आए। यहाँ पर एक पाइप जा रही है, ये वाला बटन दबाऊँ क्या? इसमें क्या लिखा है? यू ओपन द पाइप नाउ यू कैन गो थ्रू इट टू द फ्लोर अबव। वेट एक सेकेंड। ओके ओ माई गॉड, तो अभी मैं घुमा फिरा के वापस से उस एरिया में आ गया हूँ जहाँ से मैं पहले गया था। मैंने एक नए शॉर्टकट रास्ते को ओपन कर दिया है बट ये यहाँ कैसे पहुँच गया इतनी जल्दी? ओ भाई एक सेकेंड, ओ
भाई साहब, हम लोग अभी भी इसकी फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं, तभी इतना ज्यादा खुश हो रहा है। भले